नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुपेन जाज होम्योपैथी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या होता है, ये कहाँ कहाँ होता है, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसके साथ में हम लोग बात करेंगे क्या ये कैंसर हो सकता है या नहीं, लाइपोमा होने पर उसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए क्या क्या जाँचें कराई जाती हैं, और होम्योपैथी में इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लाइपोमा। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइपोमा क्या होता है। लाइपो का मतलब लिपिड या फैट से होता है, और ओमा का मतलब होता है कोई भी गांठ या फिर ट्यूमर, यानी कि लाइपोमा चर्बी की गांठ होती है। हमारे स्किन और मसल्स के बीच में फैट सेल की एक लेयर होती है। जब इन फैट सेल में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है और फैट इकट्ठा होकर वहाँ पर एक गांठ का रूप लेने लगता है, तो इसी को लाइपोमा या फिर चर्बी की गांठ कहते हैं। लाइपोमा के केस में अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि ये बेनाइन ट्यूमर होते हैं, यानी कि ये कैंसरस नहीं होते हैं, नॉर्मली ये हार्मलेस होते हैं। दोस्तों, लाइपोमा बॉडी में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वो चाहे वो गर्दन में हो, कंधे पे हो, या फिर पीठ पे हो, या फिर सीने पे, पेट पे, या दोनों हाथ पैर पे हो सकते हैं, यानी कि जहाँ भी स्किन में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है ये कहीं भी हो सकते हैं। लाइपोमा अगर नॉर्मली देखा जाए तो सॉफ्ट गांठें होती हैं और इनमें दर्द नहीं होता है। ये गांठें अगर छूकर या दबाकर देखी जाए तो ये दबती भी हैं और दाएं बाएं थोड़ी सी मूव भी होती हैं। लाइपोमा की गांठें बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। वैसे दोस्तों, लाइपोमा सॉफ्ट गांठें होती हैं और ये स्किन के ऊपरी लेयर में होती हैं, और नॉर्मली इनमें दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये हार्ड होने लगें, उसके साथ में दर्द करने लगें, तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखा गया है कि लगभग 99% केस में ये कैंसरस नहीं होते हैं, लेकिन 1% से भी कम केस में ये कैंसरस हो सकती है, यानी कि 1% से भी कम केस में लाइपोसरकोमा में कन्वर्ट होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, इसलिए लाइपोमा के केस में आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रेयर केस ही कैंसरस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाते रहना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपका लाइपोमा की समस्या को लेकर या फिर किसी दूसरी समस्या को लेकर कोई भी सवाल हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप लोग उसमें लिखकर अपनी समस्या पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि लाइपोमा होने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे लाइपोमा होने के अभी तक कोई सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक अभी तक इसके लिए शोध कर रहे हैं। अगर अधिकतर केस में देखा जाए तो उसका मेन कारण अनुवांशिक होता है। जिन लोगों के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या नाना नानी में लाइपोमा की हिस्ट्री मिलती है, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में लाइपोमा होने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर इसके लिए रिस्क फैक्टर को देखें तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन इसके अधिकांश केस 40 से 60 की उम्र में देखने को मिलते हैं। वैसे अगर लाइपोमा देखा जाए तो ये मोटे या पतले दोनों तरीके के लोगों में हो सकता है। मोटे लोगों में इसके होने की संभावनाएँ ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि मोटे लोगों में स्किन और मसल्स के बीच में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है और फैट के एक्यूमुलेट होकर गांठ बनने की संभावना बढ़ सकती है। और अगर लाइपोमा की बात करें तो इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि चोट लगना या घाव होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से, डायबिटीज़ के कारण, उसके साथ में लीवर प्रॉब्लम होने की वजह से, और ज़्यादा शराब का सेवन करने की वजह से। ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लाइपोमा होने के चांस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब अगर लाइपोमा के सिम्टम की बात करें तो लाइपोमा की गांठें छूने पर सॉफ्ट होती हैं, ये गांठें छोटी होती हैं। नॉर्मली लाइपोमा 2 इंच से कम होता है, कुछ केस में इसकी संख्या 1 गांठ से ज़्यादा भी हो सकती है। लाइपोमा की गांठ या चर्बी की गांठ धीरे धीरे बढ़ती है। लाइपोमा की गांठ को अगर हिलाकर देखा जाए तो ये अपनी पोजिशन से दाएँ या बाएँ हिलती हैं। ये गांठें नॉर्मली दर्द नहीं करती हैं। यदि इन गांठों में दर्द होना शुरू हो जाए और इसका साइज़ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए, या फिर गांठें कठोर होने लगें, उसके साथ में आपके परिवार में पहले भी किसी को लाइपोसरकोमा या गांठ का कैंसर हुआ हो, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि लाइपोमा में कैंसर होने के चांस बहुत ही रेयर होते हैं, या फिर ये कह लें कि इसमें कैंसर होने के चांस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि
इसलिए आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन समय समय पर डॉक्टर से चेकअप जो करवाते रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लाइपोमा के लिए जांचें क्या क्या कराई जाती हैं। वैसे तो हम लोग लाइपोमा की गांठ का फिजिकल चेकअप करके पता लगाते हैं कि गांठ कैसी है, कितनी बड़ी है, या फिर कोई और जांच की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कुछ जांचें कराई जाती हैं, जैसे कि बायोप्सी, कुछ इमेजिंग टेस्ट जैसे कि MRI या CT स्कैन। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर कुछ जांचें और भी कराई जा सकती हैं। दोस्तों, लाइपोमा के लिए होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि लाइपोमा का जड़ से ख़त्म कर देती हैं। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में अधिकतर केस में सर्जरी की सलाह दी जाती है, क्योंकि एलोपैथी में लाइपोमा के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो कि लाइपोमा को जड़ से ख़त्म कर दे। लेकिन कई बार सर्जरी के बाद भी पेशेंट को दोबारा लाइपोमा होने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको होम्योपैथी की कुछ कॉमन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि लाइपोमा के केस में अधिकतर प्रिस्क्राइब की जाती हैं और लाइपोमा को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन जो कि लाइपोमा के केस में अच्छा काम करती है वो है बेरेटा कर्व 30 CH की पोटेंसी में। इसकी दो दो बूंदें दिन में 3 बार लेनी होती हैं। अगर लाइपोमा में थोड़ा भी हार्डनेस या कड़ापन दबाने पर लगता हो तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिसका नाम कैल्केरिया फ्लोर 6X है। इस मेडिसिन की 4-4 गोली सुबह, दोपहर और शाम में थोड़े से गुनगुने पानी के साथ लेने से काफ़ी आराम मिलने लगता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है थूजा 200 CH की पोटेंसी में। दोस्तों, ये मेडिसिन हर तरीके की ओवरग्रोथ में बहुत ज़्यादा कारगर होती है और इस मेडिसिन को हफ्ते में किसी भी एक दिन सुबह खाली पेट 2 बूंदें डायरेक्ट जिम में या 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है कैल्केरिया का 200 CH की पोटेंसी में। दोस्तों, ये मेडिसिन लाइपोमा के केस में अच्छा काम करती है, स्पेशली जो लोग मोटे हैं और उन लोगों में लाइपोमा की समस्या हो गई हो। तो कैल्केरिया का 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 बूंदें लेने से उनकी लाइपोमा की समस्या ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको लाइपोमा के केस में कॉमनली यूज होने वाले एक मदर टिंचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम फाइटोरक्का बेरी है। ये मदर टिंचर लाइपोमा की समस्या में कॉमनली यूज किया जाता है। इस मदर टिंचर की 15-15 बूंदें दिन में 3 बार चौथे कप गुनगुने पानी के साथ लेनी होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन सभी दवाइयों में अपनी लाइपोमा की समस्या के लिए मेडिसिन चूज करने के लिए दिक्कत होती हो तो मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि भार्गवा कंपनी बनाती है जिसका नाम ट्यूमरिन ड्रॉप होता है। इस ड्रॉप में कई ऐसी मेडिसिन मिली हैं जो कि लाइपोमा को जड़ से ख़त्म करने में सहायक होती हैं। इस ड्रॉप की 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेनी होती है। दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी जो कि लाइपोमा की समस्या में यूज की जाती हैं। आपके डॉक्टर ये मेडिसिन या इन मेडिसिन के साथ में दूसरी मेडिसिन भी दे सकते हैं जो कि वो लोग आपके लक्षणों के आधार पर चूज करेंगे। दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम बेस पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं, आप लोगों को अपनी डाइट में फैटी चीज़ें खासकर रात में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रात में ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड लेने से लाइपोमा की समस्या बढ़ने के चांस और ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लाइपोमा या चर्बी की गांठ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड या किसी अन्य समस्या से रिलेटेड कोई और भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।